मैं धर्म एक ही मानता हूँ और वो धर्म है मानवता। मानवता के अलावा मैं धर्म को मानता ही नहीं। पहला, धर्म एक धंधा है। धर्म एक छोटे से वर्ग का धंधा और बड़े वर्ग पे राज करने के लिए धंधा बना हुआ है। भारत पंथ निरपेक्ष देश है, लेकिन यदि यहाँ की स्थिति देखी जाए तो अब तमाम जो राजनीतियां होने लगी है धर्म के आधार पर होने लगी है, और कहीं ना कहीं धर्म के आड़ में राजनीति बिल्कुल सही नहीं है। राजनीति तक तो सीमित भी था, लेकिन अब यह धर्म के नाम पे आपसी सौहार्द, जहां एक तरफ कही जाती है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, लेकिन आखिर भाईचारा अब कहां जा रही है, अब सोचने पे विवश हो रही है। लगातार जो बिहार से जो तस्वीरें निकल करके आ रही है तमाम लोगों पे सोचने पे मजबूर कर दी है कि आखिर धर्म के नाम पे, यानी कि वो कह सकते हैं कि रामनवमी मुहर्रम और तमाम जो प्रकार के जुलूस है उसके नाम पे आखिर धार्मिक आपसी सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश क्यों की जा रही है। और इसी चीज को समझने के लिए हमारे साथ मेरे युवा साथी डॉक्टर अभिषेक जी है। सर बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पे। अभिषेक जी, आप युवा है और युवा चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, एक परिवर्तन की लहर चला सकते हैं, और आज आपसे एक सवाल मेरे परिवर्तन पे होगी। क्यों? पूरा बिहार में जो अभी स्थिति मची हुई है खास करके इस रामनवमी के बाद उथल पुथल मची हुई है। धार्मिक हम हर लोगों के बीच में कहा गया कि हम पहले धार्मिक है, हम धार्मिक है, हम धार्मिक है, हर कोई अपने धर्म को लेकर मर रहा है, लेकिन जिस चीज के लिए मरना चाहिए वहां पे लोग नहीं मर रहे हैं। तो आपसे हम एक सवाल करना चाहते हैं, आप युवा है और आपकी सोच के अनुसार आज हम कुछ जानना चाहते हैं कि अब से कि धर्म क्या है, आखिर धर्म के पीछे इतना पागल क्यों है, आखिर इतनी जुलूस, हर धर्म की बात हम करें एक धर्म की नहीं, जुलूस इतनी ताम झाम, क्या इसके बदले और भी सामाजिक काम हो सकते हैं, लेकिन धर्म में लोग दुनिया पागल है, धर्म के पीछे लोग पागल है, खासकर भारत देश में इस प्रकार की स्थिति बनी हुई है, आपके नजर में धर्म क्या है? मैं धर्म को जो है दूसरे नजरिए से देखता हूं जी। मैं धर्म एक ही मानता हूं और वो धर्म है मानवता। मानवता के अलावा मैं धर्म को मानता ही नहीं। पहला चीज, धर्म एक धंधा है। धर्म एक छोटे से वर्ग का धंधा और बड़े वर्ग पे राज करने के लिए धंधा बना हुआ है। आप जो बोल रहे हैं इतना विवादित बोलिएगा, आपको पता है जो आप बोल रहे हैं उससे भारत की एक बड़ी आबादी आपसे खफा हो जाएगी, फिर कल जो बोल रहे हैं कल पता चल जाएगा पटना में जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगने लगेंगे। देखिए, ये नारे जो भी लगे मैं उस सभी के लिए तैयार रहता हूँ। सबसे बड़ी चीज है धर्म मानवता है, और धर्म जो भी बनाया है, जिसने भी बनाया है, एक छोटा वर्ग बड़े वर्ग पे राज करने के लिए धर्म बनाया है, चाहे हिंदू का धर्म हो, मुस्लिम का धर्म हो, सिख का धर्म हो, ईसाई का धर्म हो, मैं धर्म किसी भी धर्म की बात करो, ये एक वर्ग दूसरे वर्ग पे राज करने के लिए इस धर्म को बनाया है, और एक छोटा वर्ग बड़े वर्ग पे कैसे राज करे इसके लिए धर्म की स्थापना, सारे धर्मों की स्थापना इसी वजह से हुई है। आज आप यह बात बोल रहे हैं तो धर्म आज से थोड़ी ना चले आ रही है, कोई ऐतिहासिक है, कोई पौराणिक जमाने से महाभारत रामायण ये सारी तो धर्म से जुड़ी हुई है, तो तमाम चीज तो धर्म से जुड़ी हुई है, और आज आप कह रहे हैं कि हम इन सभी चीजों को नहीं मानते हैं। कि पहले इंसान बना या भगवान बना या अल्लाह बने या ये बने, जो भी भगवान है, जिसके भी भगवान है, जिस भी धर्म के, पहले कौन है? सवाल दोबारा है, बिल्कुल, कि पहले कौन है? हमारा डेवलपमेंट, हम जो जिस प्रजाति से हैं वो डेवलपमेंट एक आदिवासी के रूप में या उससे पहले बंदर के रूप में, जैसा हम लोग इतिहास में जानते हैं। तो इतिहास में जब हम बंदर थे तो भगवान कहाँ से आ गए बीच में, चाहे अल्लाह कहाँ से आ गए? ये सारे लोग, मैंने पीछे भी बोला कि ये जो धर्म है ना, ये ढकोसला है, ये धर्म बिजनेस, सभी धर्म ढकोसला है, बिजनेस है। धर्म सबसे बड़ा मानवता है, और मानवता से बड़ा कोई धर्म हो ही नहीं सकता इस पृथ्वी पे। अगर मानवता का सीख किसी ने सिखाया है तो महात्मा बुद्ध, वो जो मानवता का धर्म जिन्होंने सिखा दिया, वो हर इंसान में भगवान की खोज करो, कोई जरूरत नहीं है भगवान की। भगवान कहाँ है? भगवान एक पत्थर से हम कुछ मांगे या एक कोई आकार से कुछ मांगे या कोई आकृति से मांगे तो ये क्या मिलेगा? हम कर्म नहीं करे। एक बड़ा अच्छा, मैंने कल एक कोट देखा कि एक नदी गुजर रही है। भगवान बुद्ध ने एक सवाल किया, एक महा कोई मुनि थे, उनसे सवाल किया कि किसी को उस पार जाना है नदी के, तो वो कैसे जाएगा? तो मुनि कहते हैं अगर कम पानी होगा तो चल के जाएंगे,
ज्यादा पानी होगा तो तैर के जाएंगे, ठीक है। तो बोले कि अगर कोई ये सोचे कि मैं किन्हीं का आराधना करता हूं, मैं उस पार चला जाऊं, तो क्या जा सकता है? तो मुनि बोले, नहीं, वो तो मूर्खता है। हम लोग भी वही कर रहे हैं दिन भर, रामायण को मानते हैं। मैं किसी चीज को नहीं मानता, इन चीजों के ये सारे जो सब मिथ्या। आप नदी के उदाहरण दे रहे हैं, मैं नदी का उदाहरण, तो मैं मुझे कंप्लीट करने दिया जाए तो महात्मा बुद्ध कहते हैं, तो फिर ये पूजा पाठ भगवान ये इस चीजों की क्या जरूरत है? हम इनको मान के अगर उस पार हो जाते तब ये काम का है। जब हमको कोई काम कर्म करने से ही मिलेगा तो फिर धर्म कहेगा? धर्म तो ढकोसला है। आगे आप राम आप बता रहे हैं नदी को उदाहरण दे रहे हैं, उसी एक धर्म में, सनातन धर्म में रामायण काल में आपको भी याद। सनातन क्या है? आप सनातन को कैसे समझते हैं? हम तो सनातन नहीं, मुझे मैं इस पे अभी मैं सवाल करने के बैठा हूँ। आप सनातन मुझसे बात पूछ, लेकिन सवाल है आप पे कि आप जो नदी का उदाहरण किसी को मान कर नहीं, रामायण काल में पढ़ते आ रहे हैं कि गंग जो है कि नदी का पूजा हुई, उस पे पत्थर जैसे राम लिख करके डाला गया, वो पत्थर तैरने लगी, इस बात को नहीं मानते हैं? देखिए, इस बात को मानते हैं कि नहीं? ये पत्थर भी एक साइंटिफिक है, ठीक है, साइंस को समझना चाहिए, आदमी को तर्कवादी होना चाहिए, ठीक है, अंधविश्वासी नहीं होना चाहिए किसी भी चीज पे विश्वास करने से पहले। हम कहें कि ये जो आकृति है ये आकृति इस पत्थर का है, ठीक है, आप इसको पत्थर मानेंगे, कैसे मानेंगे? इस जब आप इसको पत्थर मानने के लिए आप इसको छुएंगे या इसका टेस्ट कराएंगे, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं कि एक आकृति हमको दे दी जाती है, कह दी जाती है कि ये भगवान है, ये अल्लाह है। इंसान ने भगवान को बनाया और कुछ वर्ग विशेष ने उसका निर्माण किया है अपने बिजनेस करने के लिए, अपना पेट चलाने के लिए, तो मैं उसको कैसे भगवान मानूं? इतना रामनवमी में लाखों करोड़ रुपए खर्च होकर के जुलूस निकाले जाते हैं, एक मिनट सुन लीजिए, मुहर्रम में इतना जुलूस निकाले जाते हैं, हर धर्म का अपना जब पूजा उसकी होती है, आराधना होती है, अपने अपने भगवान को खुश करने के लाखों करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं, तो सारे ढकोसला है फिर? देखिए, ढकोसला तो पूरी तरीके से है, इस ढकोसला को हम क्या कह सकते हैं? एक दूसरे को दिखाने का होड़ चला हुआ है, वो तलवार निकाल के मुहर्रम में कर रहे तो ये तलवार निकाल के रामनवमी में दिखा रहे, एक दूसरे को शक्ति प्रदर्शन कर रहे, ये भगवान कहाँ इसमें आते हैं? ये तो शक्ति प्रदर्शन करने का खेल हो गया है। ये लोग कौन है जो इस प्रकार की हरकत कर रहे हैं? कौन लोग है फिर? ये सब धर्म के नाम पे विवाद फैलाना, और ये पूरी तरीके से पॉलिटिकल विवाद है कि कैसे हम अपनी वोट बैंक तैयार कर लें। एक दूसरे को वोट बैंक तैयार करने की होड़ लगी हुई, और इस होड़ में जनता पिसने वाली है, ये जो आम नागरिक है वो पिसने वाला है। आज यहाँ पे अगर धारा 144 लगा दिया जाए पटना में, तो क्या आप ये न्यूज चैनल चला पाएंगे? न्यूज तो चलेगी ना? बिल्कुल नहीं चला पाएंगे, आपके पास इंटरनेट नहीं रहेगा, आपके पास सुविधाएं खत्म हो जाएंगी, सारी चीजें आपका रास्ता रोक दिया जाएगा। धर्म के कारण लगी है, बिहार में ही कई अभी रामनवमी के जुलूस में इस प्रकार से विवाद हुआ दो समुदाय के बीच में, 144 लगाना पड़ा और अभी तक स्थिति बहुत वहाँ की दयनीय है। तो इस स्थिति में भगवान या अल्लाह कहाँ गए? मैं दोनों धर्म वालों से पूछता हूँ कि या भगवान या अल्लाह कहाँ है? अगर वो क्यों नहीं आके सौहार्द को ठीक कर देते हैं, अगर अल्लाह और भगवान दोनों मिल के एक पंचायती कर लेते और बाकी जनता के लिए सहूलियत निकाल देते, वहां पे क्यों पुलिस खड़ी है? पुलिस की, प्रशासन की क्या आवश्यकता? सीधा सवाल है कि प्रशासन की क्या आवश्यकता? आप भगवान को नहीं मानते हैं? भगवान है ही नहीं तो मानना क्यों? है ही नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब है, डॉक्टर अभिषेक जी है, भगवान नहीं है, हम डंके की चोट पे कह रहे हैं। हमको कोई अगर प्रूफ करता है भगवान है तो मैं उसको 10 लाख रुपया इनाम दूंगा। 10 लाख रुपया? 10 लाख रुपया इनाम दूंगा मैं, अगर प्रूफ कर दे कि कोई भी भगवान है तो मैं। कैसे आप संतुष्ट, कैसे मान लेंगे भगवान है? आइए साथ कीजिए, मेरे साथ बैठे और मुझे साबित कर दे कि हाँ भगवान है, मैं उसको 10 लाख रुपया इनाम देता हूँ।
तो चलिए भाई मैं प्रूफ कर रहा हूं, भगवान को साबित कीजिए और 10 लाख रुपए अभिषेक जी दे रहे हैं। हाँ। और अभिषेक जी कहाँ आपसे मुलाकात होगी हमारे चैनल में बता दीजिए, जिनको जिनको प्रूफ बैठाना चाहेंगे देश के किसी कोने में मैं वहाँ हाजिर होऊंगा और 10 लाख रुपया लेके बैठूंगा। अगर मुझे प्रूफ कर दिया भगवान है जादू नहीं, भगवान भगवान खोज ले, जादूगर मैं जानता हूँ, जैसे जादू होता है क्या? आज एक जादूगर बैठा हुआ है वहाँ जिसका धीरेन्द्र शास्त्री नाम है, अपनी बहन का शादी मुस्लिम में कराता है और कहता है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अब बताइए जो अपने परिवार को हिंदू नहीं बना पाया वो देश को हिंदू राष्ट्र बनाएगा? क्या ये नाटक बना हुआ है देश में? इस नाटक से देश चलेगा क्या? तो हिंदू राष्ट्र आप नहीं चाहते बनने के लिए? किसी भी हालत में नहीं हो जी। आज हिंदू राष्ट्र और मुस्लिम राष्ट्र के कारण पाकिस्तान रोड पे आ गया भीख मांगने की स्थिति में। क्या आप भारत को भी चाहते हैं भीख मांगने की स्थिति में आ जाए हिंदू राष्ट्र बना के? तो पाकिस्तान का यह चर्चा क्यों कर दे? पाकिस्तान क्यों नहीं चर्चा करेंगे? जब आप धर्म की बात करेंगे तो धर्म के कारण ही पाकिस्तान आज रोड पे चला गया। और वहाँ के इस्लाम प्रमुख धर्म है, आप इस्लाम को भी आप हिट कर रहे हैं? अरे कोई धर्म ही नहीं है, किसी धर्म में भगवान नहीं है, कोई धर्म में भगवान नहीं है, अल्लाह नहीं है, कोई अल्लाह नहीं, कोई भगवान नहीं, कुछ नहीं, केवल धर्म एक है और एक होना चाहिए। और लोगों को धीरे धीरे एहसास हो रहा है और एहसास होगा, चाहे समय आज 100 लगे, 50 लगे, साल लगे, 100 साल लगे, 50 साल लगे, धर्म लोग मानेंगे, एक ही धर्म है मानवता, और मानवता और मानवता, मानवता के अलावा कोई धर्म नहीं है। जो ज्ञान हमारे पूर्वजों ने दी है वो मानवता की ज्ञान दी है, और मानवता से बड़ा कोई धर्म हो ही नहीं सकता, मैं नहीं मानता। बहुत बहुत धन्यवाद। यह हकीकत भी है, मानवता से बड़ी कोई धर्म नहीं है। और धर्म और आस्था आपके निजी विचार है, आपकी अपने स्वरूप से अपने तरीके से आप अपने लिए सिर्फ उसको यूज कीजिए, उसको मानिए नहीं मानिए आपकी व्यक्तिगत राय हो से, लेकिन इतना तो मैं भी कहूँगा धर्म के नाम पे उन्माद फैलाना, धर्म के नाम पे भेदभाव फैलाना कहीं से जायज नहीं है। लेकिन अभिषेक ने बताया मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं है। चलिए हम तमाम खबर आतंक पहुंचाते रहेंगे, तब तक के लिए बने रहे 3A नेशनल न्यूज नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।